ये तमाम बेस कैंप बने हुए हैं, ये मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। 3,000, 3,500, 2,000 रुपए सिर्फ। 2,000 2,000 में मिलेगा एक कैंप। जी जी बिल्कुल, एक रात के लिए। हाँ बिल्कुल मेरी जान, एक रात के लिए। इससे रियायत कम क्योंकि इसके अंदर लगे हैं अभी गवर्नमेंट का जो रेट। मुल्तान से आए हैं हम, बड़ी दूर से आए। गवर्नमेंट का जो रेट है वो अभी 3 साल पहले की रेट है 500 रुपया एक मैट्रेस का। अभी इसके अंदर मैं 6-7 मैट्रेस एडजस्ट करूंगा तो ये आपके लिए मैं कहता हूँ कि सबसे मौजूद रेट में मुनासिब रेट आपको दिए। अगर मतलब अभी 7 बनो बेस कैंप पर हम मौजूद हैं, करना होता है यहाँ पे। आज जो हम स्टे करने वाले हैं इनके बेस कैंप पे, क्या नाम है सर आपका? शाहजहां। शाहजहां का बेस कैंप है, उन्होंने मुनासिब रेट पर हमें ये बेस कैंप दिया है 2,000 कह रहे हैं। क्योंकि कैंपों में भी फर्क है, कुछ कैंप होते हैं गंदे मंदे रजाई है, मेरे VIP अच्छे वाले टेंट भी हैं, अपना ब्लैंकेट भी है, ये भी फर्क होता है। फर्क सबसे सुथराई हो उस चीज का, सफाई होना चाहिए, जो बिस्तर आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। अंदर का आप माहौल दिखा सकते हैं? हाँ अंदर आप लाएं, इधर चेक करिए। मेरे मैंने इसीलिए उसको कहा था आप फ्री रह जाएं, उसकी वजह आप पहले रह चुके हैं, आप मेरे मेहमान हैं। नहीं हम रेंट मेरे क्लाइंट नहीं हैं, आप मेरे गेस्ट हैं। आपके जो गेस्ट के लिए यही हो सकता है कि आपके लिए मैंने फ्री कर सकता हूँ। आपकी मोहब्बत ये सर मैं इतना आपसे कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आज रात हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं, सुबह फिर मिलेंगे उस वक्त के लिए इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, याद रखिए। जी नाज़रीन, हम बेस कैंप में मौजूद हैं इस वक्त, हमारे जो साथी हैं वो सो रहे हैं। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा चल रही है। मलिक साहब तो टवाले इस बार पूरा पड़ रहा है। मलिक साहब भी जाग चुके हैं। मलिक साहब जो है ना, क्या कहें इसके बारे में। शेख साहब दुबई से आए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ठंडा भाई जी। शेख साहब बताइएगा बेस कैंप में रह कर कैसे लगा रहा? जी बहुत मजा आया जी, बहुत अच्छी जगह और खूबसूरत ठंडी जगह है, मजा आ रहा है जी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक, इंशाल्लाह आगे का एक्सपीरियंस देखते हैं। अभी मलिक साहब अभी जो है आगे भी जाना है, नीर में कुछ कहना चाहेंगे मलिक साहब? मलिक साहब अभी जो है ना सो के उठे हैं जी, कुछ देर बाद मलिक मलिक साहब की भी खुली हुई है, खोल देंगे थोड़ी देर तक। बारिश को सारा बोल सबकी दौड़े लगेंगी बाहर। जी नाज़रीन, ये है हमारा बेस कैंप। आज हमने अपने सफर का आगाज करना है। ओए, 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 बहुत ही अच्छा आज का व्लॉग होने वाला है। बहुत ठंड ठंड थी, ये देखें जी हम अपने कैंप से निकल के गया था यार। ये देख आप, ये देख सकते हैं लोग आ रहे हैं रत्ती के लिए लैक से। मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा हूँ, वो आगे की तरफ चले गए हैं लैक पर जाने के लिए। ये जो घोड़े हैं ये ले जाते हैं, बहुत मुश्किल रास्ता है, हम कोशिश करेंगे कि पैदल जाएं। वेलकम टू एन अदर व्लॉग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हुज़ूर मेहर रत्ती कलियां के बेस कैंप पर मौजूद हैं। आज का ये दूसरा व्लॉग शुरू करते हैं खूबसूरत नज़ारों के साथ। पीछे आप देख सकते हैं ये बेस कैंप है, शहर है। ये रास्ता जो है रत्ती के लिए लैक की तरफ जाता है, हाइकिंग करनी पड़ेगी 2 किलोमीटर। अगर आप कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखना चाहते हैं, वहाँ पर आकर लोग जो है स्टे करते हैं। ये ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट हैं, कितने का है पैकेट? ये सर 50 रुपये का, 50 रुपये का मुनासिब कीमत में है। कल मुनासिब, बहुत मुनासिब। जो बेस कैंप है
यहाँ पर जीपें आकर रुक जाती हैं, इससे आगे नहीं जाती। इस तरह की वीडियोस हर यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आपने हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें। रत्ती के लिए लैग पर मौजूद हैं जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक हो? आप कहाँ से हैं? पंजाब से आए हैं। कैसा लगा आपको इधर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मेरे साथ ही मुझे बगैर बताए यहाँ आ गए थे, ये हैं जी नईम अब्बास भुट्टा साहब। ये आप देख सकते हैं जी बेस कैंप के खूबसूरत मनाजर। ये भाई कहाँ से आए हुए? हम गुजरावाला से। गुजरावाला से आए हुए ये भाई, यहाँ एंजॉय। ये नजारा भी देख कर जी, ये है मलिक साहब। मलिक साहब फौजी साहब शेख बन गया दो रत्तियां के लिए। मैंने आपको पहले कहा था ये शेख बन गया यार, आगे जाके कुछ और ना बन जाए। वैसे आपके चैनल का नाम क्या? अजर महर व्लॉग। फौजी है भाई। यहाँ पर आ रहे तमाम दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पंजाब में इस टाइम बहुत गर्मी है, खासतौर पर मुल्तान के इलाके से जहाँ आए हुए हैं, इधर आकर ऐसी ठंड लग रही है जैसे मुल्तान में दिसंबर के महीने में होती है। जी भाईजान कैसा फील कर रहे हैं आप? माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी है, ये ब्यूटी देखने वाली ज़्यादा अच्छा है। आप हमारे कुल्लू से देख सकते हैं क्या क्या है। दवारियाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? काफ़ी एडवेंचर वाला सफ़र जो है वो एडवेंचर वाला ज़रूर है, मगर खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। ये धूप आ गई है ऊपर और ये देखें काफ़ी लोग सोए हुए, वो भी भाई सोए हुए हैं। एक वो कैंटीन है, बाकी सारे क्या इस पहाड़ ने रोकी हुई है हमारी धूप। ये देखें बिलाल साहब उठ के आए हैं। देखिए मलिक साहब जा ही रहे हैं। पूछ लिया नहीं अपना हैकिंग करेंगे। टीम बंदा है, हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर हाइकिंग करेंगे। हाइकिंग करते हुए शेख साहब और मलिक साहब हमारे साथ होंगे, उनकी फ़नी गुफ्तगू से आप लुत्फ़ानंदोज़ होंगे यकीनन। खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। अब बहुत सर्दी है, हम कैंप के अंदर जाने वाले हैं, फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज। सफर होने वाला आप शुरू जी जी इंशाल्लाह। और जो जी नाज़रीन ये है हमारा बेस कैंप, रात हमने इधर गुजारी है। बहुत ठंड थी ये आप देख सकते हैं, बहुत ठंड है, कमाल ठंड है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। अपना नाश्ता करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम अपने सफ़र का आगाज़ है। यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला है का ट्रैक, हाइकिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, हमारे साथ रहना है। मलिक साहब भी आ गए हैं पीछे। मलिक साहब अल्लाह पाक का शुक्र, कैसे गुजरे सुबह उठे हैं आप? आए कैंपिंग जिन्होंने करनी है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, एक ये जगह है, एक अड़न कील की जगह बहुत खूबसूरत व्यू है कैंपिंग करने के लिए। उसके बाद ये नहीं कि कैंपिंग महंगी है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं जी। बिल्कुल वादी नीलम की जो है ये मुश्किल ट्रैक ज़रूर है, लेकिन दिलचस्प नज़ारों से भरा पड़ा है यकीनन। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। रात को मेरा जो ये आईफोन था वो बंद हो गया था, उसके जो रात के जो नज़ारे थे वो मैं कैच नहीं कर पाया, इसके लिए आपसे माजरत कहाँ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सूरज निकला हुआ है ये आप देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ों पर सूरज की रोशनी है। हमारे साथी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। कैंटीन वाले, दूसरी कैंटीन वाले भी आ चुके हैं। चाय कितने देर में मिलेगी? ये है जी सुबह सुबह का मंजर, रत्ती अंकलियां लैक के बेस कैंप का। 5 का टाइम है अभी, हम बहुत सुबह उठ गए हैं, बहुत जल्दी उठ गए हैं क्योंकि हमने अपने सफ़र का आगाज़ करना है। 2 किलोमीटर का फासला है पैदल। जब आप हाइकिंग करते हैं तो 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम लग जाता है।
फर्स्ट टाइम ये हमारा फर्स्ट टाइम हम आए हैं इधर, ग्लेशियर के नज़ारे देखें। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट भी है जहाँ से ये बिजली बन रही है, बेस कैंप की बिजली भी यहीं से पावर प्लांट से बनती है। ये देख सकते हैं आप बेस कैंप के नज़र। बोला पीने जा रहा, ये देखें रुक, ये मलिक साहब जो हैं खाना, बिल्ला शेख साहब यार मलिक नहीं है, भूल गया सॉरी यार, शेख साहब हमें खाना डाल के दे रहे हैं, इधर दिखा कढ़ाई का, दिल के बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत खूबसूरत मनाजर हैं जी। जी नाज़रीन अब हम रेडी हो चुके हैं, हमारे साथी जो हैं वो अभी तैयारी में मसरूफ़ हैं, हम अपने सफ़र का आगाज़ अब करने वाले हैं। 40 मिनट से एक घंटे का ट्रैक है, हाइकिंग करते हुए हम जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हॉर्स वाले भी जो यहाँ से घोड़ों पे लोगों को बिठा कर ले जाते हैं। जब आप द्वारिया से रतिकली की तरफ आते हैं तो 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जीप वाले जो हैं वो 13,000 में आते हैं। यहाँ पर पैदल लोग कहते हैं पैदल चलना नामुमकिन है, एक दिन लग जाता है अगर आप पैदल चलते हैं। जब आप बेस कैंप में आते हैं यहाँ पर रात गुजारते हैं तो नेक्स्ट दिन जो आपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो वो भी 40 मिनट से 1 घंटे की हाइकिंग है। उसके बाद आप रत्ती गलियां लैक पहुंचते हैं। रत्ती गलियां लैक जो है इसका जो हाइट है वो 12,500 फिट है, 12,500 फिट हाइट पर ये है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर रत्ती गलियां लैक का फुल नज़ारा करना चाहते हैं, वहां की फ्लावरिंग देखना चाहते हैं, वहां का सब्ज़ा देखना चाहते हैं तो अगस्त में आएँ। अभी हम अगस्त पहले आ चुके हैं, अगस्त में उसके फुल नज़ारे होते हैं। अभी कहीं पर जो है ग्लेशियर होगा और कहीं पर ग्लेशियर ख़त्म हो चुका होगा, तो आज हम आपको दिखाएंगे रत्ती गली लैक के खूबसूरत नज़ारे। हमारे साथ रहिए, यहाँ से हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे। ये जो जीपें हैं जो लेकर आती हैं आपको दवारियाँ से यहाँ पर, आपको उसी किराए पर लेकर भी आते हैं और वापस भी ले जाते हैं। जब आप रात को स्टे करते हैं तो वो भी इधर रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे आपको लेकर वापस जाते हैं। जी नाज़रीन बेस कैंप से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है रतियाँ के लिए लेक की तरफ, हम रवाना, बहुत मज़े वाला सफ़र शुरू होने वाला है। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि मलिक साहब और शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। मलिक साहब जो हैं वो आगे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मलिक साहब को दिखाऊं उनसे आगे निकल पाता हूं, पर आपसे गुजारिश है आप सारे अपने एड़ियों पर वजन डाल के चले, पैर नहीं स्लिप होगा। जी मलिक साहब हम बहुत एहतियात के साथ चल रहे हैं, ये जो ग्लेशियर है यहाँ पर स्लिप हो सकता है बंदा, बड़े एहतियात के साथ जो है नहीं आएंगे तब तक। ये बेसिकली बात ये है कि आप कैमरे की आंख में इतना मर्जी कैप्चर करके लोगों को दिखाएं, सही बात, पर जब तक लोग खुद नहीं आएंगे तब तक इनको नहीं पता लगेगा क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं। सही है, बेसिकली आप आए इस इलाके को घूमे फिरे, हमारा इनका व्लॉग बनाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको रास्ते गा किया जाए, सही बात, कि इस जगह पे ये है, ये है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आंख के अंदर महफूज रखी जा सकती है। बिल्कुल जी मलिक साहब, मलिक साहब कह रहे हैं कि ये कुदरत का जो हुस्न है ये कैमरे में हम कैच नहीं कर सकते, आए यहाँ पर देखें। ये है जी बेस कैंप, हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, सूरज निकला हुआ है, बारिश पहाड़ों पर आप देख सकते हैं रोशनी, तो आज तक के व्लॉग के लिए अपने मेज़बान अज़र मैद को दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा अल्लाह ने के बान।